बीसीसीआई का दिमाग खराब हो गया है। इनको ये नहीं मालूम कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट है, एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं है, जुडिशियल ऑर्डर है, ये जजमेंट है। इनकी दुम पर जैसे ही पांव रख दिए, बिल खिलाने लगे, इन्होंने सोचा जैसे सरकारी महकमे होते हैं ना वैसे ये सुप्रीम कोर्ट है, तो इनको जरा संभल करके चलना पड़ेगा। जो आदेश इन्होंने नहीं माने हैं, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये पैसे निकाल रहे थे तो बैंकों ने उनको बंद किया, क्योंकि इनको इस प्रकार से करने का कोई आदेश नहीं है। पिछले साल तक के सारे निर्णय कर सकते हैं और आगे आने वाले समय के उनको रोका गया, इनसे कहा गया कि बदलाव लेकर आओ, सो ये लेकर नहीं आए। तो ये थेथर है, थेथर लातों के बूत हैं जो बातों से नहीं मानते। बैंक अकाउंट फ्रीज होंगे तो अब ये गीदड़ धमकियां आएंगी, ये नेशनल कार्ड खेलेंगे, ये इंडिया का कार्ड खेलेंगे। लेकिन अगर लोढ़ा कमीशन और जो सुप्रीम कोर्ट है वो तस से मस ना हो, जो मुझे लगता है नहीं होगी, तो ये लोग बहुत ही जल्द दे विल फॉल इन लाइन, इनको सीधा होना ही पड़ेगा। बीसीसीआई को अपनी निजी दुकान बना के रन मत करे। बीसीसीआई ये देश का एक क्रिकेट का हायर बॉडी है, जिसने देश को अनेक नामी गिरामी खिलाड़ी दिए, जिसने देश को 2 विश्व कप दिया। तो इनको चलाने वाले लोग अविलंब देश से माफी मांगे, क्रिकेट खिलाड़ी से माफी मांगे, और बहुत अच्छे लोग क्यू में हैं उनको मौका दें, या के सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में बीसीसीआई को ठीक से रन करें।